हेलो जैन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक की मैथ्स में। और आज हम नंबर सिस्टम से ही संबंधित भाग 6 इकाई अंक निकालना, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना नंबर सिस्टम का ही भाग है, भाग 6 आज लेके आए हैं। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या दी है, जोड़ में दी है, घटाव में दी है, गुणा में दी है और घातांक में दी है, तो उन संख्याओं का इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए आज भाग 6 इकाई अंक से होगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो कल कराया जाएगा, ठीक है। तो आज सिर्फ जोड़ पर और गुणा पर आधारित इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए, और कुछ पार्ट घातांक वाला देख लीजिए। तो देखो शुरू करते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए 92 18 प्लस 31 25 प्लस 42 46 प्लस 56 14, इसमें इकाई अंक निकालना है। हम क्या करेंगे इकाई अंक के लिए, हम क्या करता है, जैसे हमें निकालना है तो हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें इकाई अंक निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे इकाई वाले अंक दिए हुए हैं, जो भी दिए हैं, जैसे इकाई का अंक 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 में 3 को ले लिया हमने, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 से हमने 9 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 9 4 13, कितना हो गया 9 4 13, इसमें इकाई का अंक हो गया 3, यही हमारा आंसर हो गया। फिर से समझ लो, इकाई का अंक पूछा है तो हमें सभी अंकों को नहीं जोड़ना है, इकाई का अंक सिर्फ लेंगे। 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 में हमने 3 को ले लिया, फिर हमने 3 और 6 को जोड़ दिया तो 3 और 6 कितना हुआ 9, और 9 में फिर 4 को जोड़ दिया तो 9 4 13, पूछा क्या था हमसे इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना हो गया 3। आगे क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा है 432 578 615 प्लस 156, इसमें इकाई अंक क्या है, तो देखिए 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 का क्या बचा 0, और 0 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 होगा, और 5 में हम जोड़ देंगे 6 तो कितना हो गया 11, 11 में इकाई अंक होगा हमारा 1, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो थे जोड़ पर आधारित, जैसे जोड़ में इकाई अंक पूछा है तो इसी तरीके से हमें करना है। अब इसकी जगह यदि घटाव का दिया हो, कोई भी नंबर यदि घटाव का दिया है तो हम इकाई अंक से ही निकालेंगे, लेकिन घटाव वाली जो संख्या है उसको घटा देते हैं और जोड़ वाली संख्या होगी उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद गुणा में दिया है, यदि गुणा में कोई संख्या दी है, बड़ा नंबर दिया है और उसमें मुझे यदि इकाई अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो गुणा में दिया है 756 938 872, यदि इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, देखो 6 का इकाई अंक देखेंगे, 6 8 48, 48 का 8 लिया हमने, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हुआ 16, 16 में हो गया 6 इकाई अंक, कितना हुआ 16, 16 में हो गया 6 इकाई अंक, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। फिर से समझ लो, 6 8 48, 48 का लिया 8 और 8 6 48 कितना, अच्छा सॉरी इसमें करना है 8 8 8 दूनी 16, 16 में 6 कितना हो गया इकाई अंक 6 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन अगला है 8 5 40, अब यहां पर 8 5 40 आ गया तो समझ लो 0 हो गया इकाई अंक, और 0 का गुणा यदि हम किसी संख्या में करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे लिखा है 203 410 240 305 1507 218, अब यहाँ पर ये देखना है इसमें पूछा है इकाई अंक, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो सीरीज में, अगर कोई भी एक नंबर में 0 दिया हो तो उसका पूरा इकाई अंक 0 ही हो जाता है। फिर से समझ लो, यदि कोई संख्या दी है उसमें कोई भी एक अंक 0 दिया है तो उसका पूरा आंसर 0 में यदि हम किसी का गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है, तो इसका इकाई अंक हो गया 0। और एक दो प्रश्न है देखिए, देखो जैसे दिया है मान लीजिए क्वेश्चन, अब
अब घातांक पे संबंधित है, जैसे घातांक वाला पूछ लिया जाता है, घातांक पर इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। देखो घातांक में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस है मैं आज बताने जा रहा हूं और अगला जो रह जाएगा भाग वो कल बताएंगे। तो आज जैसे दिया है, मान लीजिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या पर घात चाहे कितनी भी हो उसका इकाई अंक जो होगा वो 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसको याद कैसे करते हैं वो देख लो, एक नोकिया मोबाइल चला हुआ था तो 1650 कहा जाता था, इसी नंबर से हम एक बना लेते हैं 1650, यानी 1650। फिर से समझ लो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1650 ये बता दिया हमने होगा है तो इकाई अंक वही रहेगा, उतना ही रहेगा 1650। देखो कैसे, जैसे दिया है मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 1570 पे पावर दिया है आपका 67। अब 1570 पे घाते दी है वो दी है 67। अब इसमें क्या बताया है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो कितना आ गया 0, इसका इकाई अंक होगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 781 पे पावर दिया है 80, इकाई अंक हमने बताया 1 आ गया तो इसका इकाई अंक होगा 1। ठीक है, जैसे दिया है 2925 पर पावर 65, अब हम 2925 को 65 बार तो नहीं लिखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो इसका आंसर पूरा आ गया 5, नहीं तो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, जैसे अगला दिया है मान लीजिए 1246 पे पावर दिया है 85, इसका इकाई अंक आ गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इस तरीके से हम कोई भी घातांक वाली संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं और गुणा पर आधारित इकाई अंक हो। आशा करता हूं ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।